प्रिय साथियों नमस्कार। आज स्वागत करने वाले हैं ऋषिकेश के दो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के विषय पर। तो सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूला के जिक्र के बिना ऋषिकेश अधूरा है। शायद आपकी यात्रा भी नेचुरल ब्यूटी से भरपूर लक्ष्मण झूला के आसपास का माहौल आपको खुशी और संतुष्टि देगा। गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने यह झूला बनवाया था। यह गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। इस पर खड़े होकर चारों ओर की खूबसूरती को निहारा जा सकता है, जो कुदरत ने ऋषिकेश को खास तौर पर बख्शी है। गंगा नदी का यह झूलता हुआ पुल 450 फीट लंबा है। कहा जाता है शुरू में इसे जूट के रस्सों से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी पकड़ को लोहे की तारों से और मजबूत किया गया था। अब हम बढ़ते हैं त्रिवेणी घाट की तरफ। ऋषिकेश पहुँचने वाले अनेक श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर ही स्नान करते हैं। इस स्थान पर प्रातःकाल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी के किनारे स्नान करते हैं। त्रिवेणी घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में यह मान्यता है कि इस जगह पर स्नान और अनुष्ठान करने के बाद उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। त्रिवेणी घाट पर ही हिंदू धर्म की तीनों प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। माना जाता है कि शिकारी के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण भी त्रिवेणी घाट पर आए थे। शाम को होने वाली यहाँ की गंगा आरती का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। तो दोस्तों, ये बात हुई दो ऋषिकेश के दर्शनीय स्थलों के विषय पर। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।